हेलो गाइस, आज हम कुछ एडवांस्ड वर्ड्स सीखेंगे। इम्प्लीमेंट एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है अमल में लाना, अंजाम देना या फिर लागू करना। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। द गवर्नमेंट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। सरकार योजना को लागू करने में विफल रही। नेक्स्ट एग्जांपल इज द गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। सरकार नीति को लागू करने पर सहमत हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज एलियनेट। एलियनेट एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है अपने से दूर कर देना, अपनों को दूर कर देना या फिर पराया करना। आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। डोंट एलियनेट योर सेल्फ फ्रॉम योर फैमिली। खुद को अपने परिवार से पराया मत करो। नेक्स्ट एग्जांपल इज You had better not alienate yourself from your colleagues. बेहतर होगा कि आप अपने सहकर्मियों से खुद को पराया न करें। Next one is persuade. Persuade एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है समझा बुझा कर किसी को किसी काम के लिए राजी करना या फिर मनाना। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। It was difficult to persuade Riya to change her mind. रिया को अपना मन बदलने के लिए राजी करना मुश्किल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड पर्सुएड हर टू टेक अ कप ऑफ टी। तुम्हें उसे चाय पीने के लिए राजी करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिसवेट। डिसवेट एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है किसी को कोई काम न करने के लिए राजी करना। इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम गेटिंग मैरिड। मैंने उसे शादी करने से रोकने की कोशिश की या फिर मैंने उसे शादी न करने के लिए मनाने की कोशिश की। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम ट्राइंग टू डिसवेड हर फ्रॉम बाइंग अ लैपटॉप। मैं उसे लैपटॉप खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज डिस्पोज। डिस्पोज एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है बेचना, निपटाना या फिर छुटकारा पाना। इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। आई वांट टू डिस्पोज ऑफ दिस कार। मैं इस कार को निपटाना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही हैज टू डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड बाइक। उसे अपनी पुरानी बाइक से छुटकारा पाना है। नर्चर वर्ब फॉर्म में इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहला बढ़ते बच्चों या पौधों की देखभाल और रक्षा करना या फिर पालना पोसना। दूसरा मीनिंग होता है विकास और सफलता प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना। नाउन फॉर्म में इसका मीनिंग होता है देखभाल। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही वांट्स टू नर्चर हर चिल्ड्रन। वह उसके बच्चों का पालन पोषण करना चाहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज The tree grew well in her nurture. उसके पालन पोषण में पेड़ अच्छी तरह विकसित हुआ। Next one is tackle. Tackle एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है कठिन स्थिति या समस्या का हल निकालने का प्रयास करना या फिर निपटना। Deal with, put up with, cope with, grapple with, ये सारे इसके synonyms हैं। आइए इसको example से समझते हैं। I don't know how to tackle this problem. मुझे नहीं पता कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। Next example is we will have to tackle this difficult problem. हमें इस कठिन समस्या से निपटना होगा। Next one is thoroughly. Thoroughly एक adverb है। इसका meaning होता है पूर्णतया, पूरी तरह से या फिर पूरा पूरा। आइए इसको example से समझते हैं। He was thoroughly dissatisfied with your work. वह तुम्हारे काम से पूरी तरह असंतुष्ट था। Next example is I studied that book thoroughly. मैंने उस किताब का अच्छी तरह से अध्ययन किया। Next one is elope. Elope एक verb है। इसका meaning होता है विवाह के लिए चुपचाप भाग जाना या फिर घर से भागकर शादी करना। इलोप के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। हिज गर्लफ्रेंड इलोप्ड विद समवन।
उसकी प्रेमिका किसी के साथ भाग गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी डजंट वॉन्ट टू इलोप विद हिम, वह उसके साथ भागकर शादी नहीं करना चाहती। नेक्स्ट वन इज एक्सटॉल। एक्सटॉल एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, सराहना या फिर तारीफ करना। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज एक्सटॉल्ड एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में उनकी सराहना की गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वॉज एक्सटॉलिंग ऑफ हिज वर्क, मैं उसके काम की तारीफ कर रहा था। गाइस कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अब तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मैं अपनी बात से मुकरता नहीं, तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम गो बैक ऑन फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है इनकार करना या फिर मुकर जाना। गो यहाँ पे एक वर्ब है, इसलिए समय के साथ अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर प्रोमिस नाउ, अब तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डोंट गो बैक ऑन माई वर्ड, मैं अपनी बात से मुकरता नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाई आर यू गोइंग बैक ऑन योर प्रोमिस, तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वह बाजार का भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, मुझे उस जगह की चहल पहल अच्छी लगी, उन्हें बाजार की चहल पहल अच्छी लगती है। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हसल एंड बजल फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है भीड़ भाड़ या फिर चहल पहल। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही डजंट लाइक द हसल एंड बजल ऑफ मार्केट, वह बाजार का भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लाइक द हसल एंड बजल ऑफ दैट प्लेस, मुझे उस जगह की चहल पहल अच्छी लगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे लव द हसल एंड बजल ऑफ द मार्केट, उन्हें बाजार की चहल पहल अच्छी लगती है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वह मकान साफ सुथरा था, मेरा घर हमेशा चकाचक रहता है, तुम्हें अपने किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम स्पीक एंड स्पैन फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है चकाचक या फिर साफ सुथरा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट हाउस वॉज स्पीक एंड स्पैन, वह मकान साफ सुथरा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई होम इज ऑलवेज स्पीक एंड स्पैन, मेरा घर हमेशा चकाचक रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड कीप योर किचन स्पीक एंड स्पैन, तुम्हें अपने किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है, बुढ़िया ने राजकुमारी पर जादू कर दिया, तुम मुझ पर जादू नहीं कर सकते। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कास्ट अ स्पेल ऑन फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है जादू करना। कास्ट यहाँ पे एक वर्ब है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन मी, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ओल्ड वुमन कास्ट अ स्पेल ऑन द प्रिंसेस, बुढ़िया ने राजकुमारी पर जादू कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू कैन नॉट कास्ट अ स्पेल ऑन मी, तुम मुझ पर जादू नहीं कर सकते। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मैं सफल होने के लिए दिन रात काम करता हूँ, उसने अपनी परीक्षा के लिए 2400 घंटे पढ़ाई की, वह दिन रात फोन से चिपकी रहती है। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम राउंड द क्लॉक फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है दिन रात या फिर 2400 घंटे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वर्क राउंड द क्लॉक टू गेट सक्सेस, मैं सफल होने के लिए दिन रात काम करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही स्टडीड राउंड द क्लॉक फॉर हिज एग्जाम, उसने अपनी परीक्षा के लिए 2400 घंटे पढ़ाई की। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी स्टिक्स टू द फोन राउंड द क्लॉक, वह दिन रात फोन से चिपकी रहती है। गाइस कुछ इस तरह की सेंटेंसेस होते हैं, वह रोहन के साथ घर बसाना चाहती थी, जब उसने अपनी प्रेमिका के साथ घर बसाया तो उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वह अपनी प्रेमिका के साथ घर बसाना चाहता है। गाइस इस तरह की सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सेट अप हाउस फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है घर बसाना।
सेट यहाँ पे एक वर्ब है, इसलिए समय के साथ अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। She wanted to set up house with Rohan. वह रोहन के साथ घर बसाना चाहती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हिज पेरेंट्स वर वेरी अपसेट व्हेन ही सेट अप हाउस विद हर गर्लफ्रेंड। जब उसने अपनी प्रेमिका के साथ घर बसाया तो उसके माता पिता बहुत परेशान थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉन्ट्स टू सेट अप हाउस विद हर गर्लफ्रेंड। वह अपनी प्रेमिका के साथ घर बसाना चाहता है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, हमें किसी भी हाल में घबराना नहीं चाहिए। मैं किसी भी हाल में वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं आपके रहस्य को किसी भी परिस्थिति में उजागर नहीं करूँगा। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इन नो केस फ्रेज का यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है किसी भी परिस्थिति में नहीं या फिर किसी भी हाल में नहीं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। We should panic in no case. हमें किसी भी हाल में घबराना नहीं चाहिए। Next example is I will go there in no case. मैं किसी भी हाल में वहाँ नहीं जाऊँगा। Next example is I will reveal your secret in no case. मैं आपके रहस्य को किसी भी परिस्थिति में उजागर नहीं करूँगा। कुछ इस तरह के sentences होते हैं, मुझे आग से खेलने का शौक नहीं है। मुझसे बात करने का मतलब है आग से खेलना, उसे आग से खेलने की आदत है। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्ले विथ फायर फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है आग से खेलना। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ फायर। मुझे आग से खेलने का शौक नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टॉकिंग टू मी मीन्स प्लेइंग विथ फायर। मुझसे बात करने का मतलब है आग से खेलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज यूज्ड टू प्लेइंग विथ फायर। उसे आग से खेलने की आदत है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यह जीने मरने का सवाल है। यह मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। यह उनके लिए जीने मरने का सवाल था। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है जीने मरने का सवाल। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। यह जीने मरने का सवाल है। नेक्स्ट एग्जांपल इज इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू मी। यह मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट वॉज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम। यह उनके लिए जीने मरने का सवाल था। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उसके पास कई सारे कारें थी। इस बाइक में कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। इस समस्या के कई सारे उपाय हैं। गाइज, इस तरह की सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम अ नंबर ऑफ फ्रेज का यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है कई सारे या फिर कई। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही हैड अ नंबर ऑफ कार्स। उसके पास कई सारे कारें थी। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस बाइक हैज अ नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स। इस बाइक में कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर आर अ नंबर ऑफ रेमेडीज टू दिस प्रॉब्लम। इस समस्या के कई सारे उपाय हैं।